तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप प्रमोट कर सकते हैं अपने सीपीए ऑफर्स को। यस गाइस, यहाँ नेटवर्क की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ बात कर रहा हूँ सीपीए ऑफर्स को आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है विथ फेसबुक एड्स। यस गाइस, फेसबुक एड्स जो सबसे ज्यादा यूज होती है सीपीए ऑफर्स को प्रमोट करने के लिए, और उसका यूज मैं भी करता हूँ। तो वही चीज आपको आज मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं अपने सीपीए ऑफर्स को विद फेसबुक एड्स। यहाँ मैं आपको कुछ चीज समझाने की कोशिश करता हूँ जो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझोगे एंड उस चीज को अप्लाई करोगे तो आप काफी अच्छा खासा रेवेन्यू एंड आरओआई जनरेट करोगे विद फेसबुक एड्स। तो वो क्या चीज है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको एक लेआउट दे सकता हूँ, ठीक है, कि ऐसे ऐसे और ऐसे करके चीजों को प्रमोट किया जा सकता है, बट काम आपको करना है। और क्या काम करना है, काम ये करना है कि आपको उसमें यूज करना है अपनी थिंकिंग, अपनी क्रिएटिविटी। देखो बहुत लोग आप लोग बोलते हो कि ये ऑफर नहीं चलता, ये ऑफर नहीं चलता, ये ऑफर नहीं चलता, वो ऑफर नहीं चलता। मैं उस चीज में बिलीव नहीं करता हूँ कि ये वो और वो ऑफर नहीं चलता। हर ऑफर चलता है, बट उसको चलाने के लिए क्या करना पड़ता है वो हमें नहीं पता होता, तो इसलिए वो चीज हमारे लिए नहीं चलती, बट वही ऑफर किसी दूसरे के लिए चलता है। ठीक है, तो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्रिएटिविटी लेवल और आपकी थिंकिंग मिलके एक एड बनाती है, और वही एड जो होता है वो कन्वर्ट होता है मनी। तो सारा कुछ डिपेंड करता है एड में, सारा कुछ डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग में, सारा कुछ डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी में। लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थिंकिंग है, किसी की नेक्स्ट लेवल पे है, किसी की मीडियम लेवल पे है, किसी की अपर नेक्स्ट लेवल पे है, तो वो उस प्रकार का एड सेट क्रिएट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। देखो आप जितने भी लोगों को अभी तक देख रहे होंगे इन मार्केटिंग, इन सीपीए मार्केटिंग, तो वो लोग जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो सारा कुछ डिपेंड करता है एड पे। वो कैसे लोगों को शो करते हैं और कैसे उनको अपने पेजेस पे लेके आते हैं, लैंडिंग पेजेस पे लेके आते हैं, और वहां से मनी जनरेट करते हैं। तो अब ये आपके दिमाग में समझ में आ गया कि आपको क्या करना है। अब चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन। So my name is Tien, I'm the best in the world and you are watching online money as usual. Guys, अगर आपके पास कोई भी questions होते हैं तो प्लीज मुझे नॉक क्या करो on Instagram। दोस्तों अगर आपके पास होते हैं बहुत पर्सनल और बड़े बड़े questions तो आप मुझे Instagram पे ही मैसेज करो, बिकॉज वहां मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगता है आपको रिप्लाई देने में। तो प्लीज वही मुझे मैसेज क्या करो और आप मुझे नॉक कर सकते हो वहां। अगर आपके पास अभी भी कोई भी आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है प्लीज लाइक कर दो इस वीडियो को, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। सो प्लीज लाइक कर दो, लाइक कर दो एंड ज्यादा से कमेंट दो जो मोटिवेट करता है मुझे कुछ अच्छा आप लोगों के लिए करने के लिए। तो प्लीज लाइक एंड वन कमेंट जो टोटली फ्री है। तो सबसे पहले गाइस आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या चीजें जरूरत है एक एड परफॉर्म कराने के लिए। सबसे पहले आपको चाहिए रहता है एक एड सेट, एंड जो सेकंड चीज चाहिए रहती है दैट इज कॉल्ड लैंडिंग पेज। तो लैंडिंग पेज के लिए मैंने ये कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए बना रखी, तो ये वीडियोस आप ऑन द चैनल देख सकते हो, तो प्लीज जाके वो देखें। एंड एड सेट आप लोगों के लिए आज मैं एक बनाया हूँ जो आपको दिखाऊंगा, और उस तरह के आपको अलग अलग बहुत सारे एड सेट बनाने हैं एक ऑफर को प्रमोट करने के लिए। बहुत सारे एड सेट एक ऑफर को प्रमोट करने के लिए, सही सुन रहे हो आप, क्या बहुत सारे एडसेट सिर्फ एक ऑफर को प्रमोट करने के लिए, बिकॉज आप नहीं जानते कि कौन सा एडसेट आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाला। तो लैंडिंग पेजेस के उदाहरण के लिए ये जो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हो, और जो एडसेट है इसको मैं आप दिखाता हूँ कि आप कैसे बना सकते हो और कितना अच्छा बना सकते हो। एंड जो एडसेट है वो मैंने बनाया है बेस ऑन हेल्थ प्रोडक्ट, ठीक है, बेस ऑन हेल्थ प्रोडक्ट। सो हेल्थ प्रोडक्ट के बेस पे मैंने एड सेट बनाया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बिकॉज टाइम को बचाने के लिए मैंने पहले से उसको बना के रखा है, प्रिपेयर कर लिया है। एंड सेकंड मैं आपको समझाऊंगा कि आपको एड कैसे लगाना है ऑन फेसबुक, ठीक है। और उससे पहले एक चीज़ और मैं बता दूं कि आपका क्रिएटिविटी लेवल और आपकी थिंकिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एड को परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो सीपीए मार्केटिंग के लिए हो, चाहे वो क्लिक बैंक के लिए हो, या किसी क्लाइंट के लिए भी हो। तो ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिविटी एंड थिंकिंग। जो अब आपको मैं एड सेट दिखा देता हूँ, दैट इज कॉल्ड एड सेट, ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल मैंने बनाया है, बहुत ही तेज़ी से बनाया है, मतलब 5 से 10 मिनट में मैंने इसको तैयार किया है, बिकॉज बस आप लोगों को दिखाना था, एक आइडिया देना था, तो इसलिए तुरंत मैंने इसको तैयार किया। बट आप इससे भी अच्छा और बहुत ही अट्रैक्टिंग एक एड सेट तैयार करना है आपको, जो आपको लगे कि हाँ बहुत मज़ा आ रहा है इसको देखने में और लोग एक बार में इसको कैप्चर करेंगे। यस गाइस, मैंने एक चीज़ कहा आपको लगे, यस आपको, हमेशा जो भी चीज़ आप क्रिएट करोगे
उसमें आपने आपको रखना है और देखना है क्या ये चीज अच्छी लग रही है, क्या लोग एक बार में अट्रैक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, फिर ही आपको उस चीज को यूज करना है। तो यहाँ कुछ चीजें हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जब भी आप एड सेट बनाओगे। तो गाइज यहाँ देखो, यहाँ मैंने लगाया है एक आइकन PNG हैंड स्वाइप अप, आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। आप जैसे ही इसको गूगल में डालोगे ये मिल जाएगा। और यहाँ पर मैंने एक लगाया है व्हाइट कलर का हाफ सर्कल, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने ये PNG लगाया है। तो ये चीज आपको हर एड सेट में लगानी है जो आप बनाओगे, ठीक है, फॉर स्टोरी एड्स, ठीक है। मैं स्टोरी एड्स ही ज्यादा यूज करता हूँ फॉर CPA मार्केटिंग, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रिटर्न देते हैं, तो मैं यूज करता हूँ स्टोरी एड। और आप कोई भी एड यूज कर सकते हो, चाहे फीड एड्स चाहे स्टोरी एड, बट अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं आपको बोलूंगा स्टोरी एड्स। एंड देन यहाँ पर एक अच्छी खासी लाइन मैंने लगाया है, यहाँ पर एक लाइन है जो आपको मैं हिला के दिखा देता हूँ। तो ये एक लाइन है, ऊपर नीचे करके भी दिखा देता हूँ। तो ये जो है इसको मैंने लगाया है ग्रीन कलर में, आप येलो ग्रीन एंड रेड तीन ही कलर का यूज करना, बिकॉज लोग तुरंत देखते हैं, एक ये लाइटेबल कलर है तो तुरंत दिमाग में आता है और लोग तुरंत देखते हैं। तो इस तरह का कलर आपको यूज करना है, बिकॉज ये जो है ये चीज आपको शो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड स्वाइप अप। स्वाइप अप जब शो करोगे तो देखेगा बंदा, हाँ स्वाइप अप, और स्वाइप अप करना है तब वो स्वाइप अप करेगा। तो ये कॉल टू एक्शन एज अ काम करता है, और ये आपके दिमाग को जो साइकोलॉजी गेम होता है वो प्ले करता है, ये हैंड जो आपको सामने दिख रहा है। बस आप जैसे ही वो ऊपर करेगा तो आपको समझ में आएगा, मतलब जैसे कि ये ऊपर करता हुआ दिखा रहा, तो लोग सोचेंगे हाँ इसको ऊपर करना है, तो साइकोलॉजी गेम में बस उसको ऊपर हो जाएगा एंड वो आपके लैंडिंग पेज पे चला जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं जो आपको नीचे लगाना है, काम करना है। देन एक बहुत ही अच्छी सेक्सी सी इमेज आपको डाउनलोड करना है, HD इमेज डाउनलोड करना है जो काफी अट्रैक्टिव हो और अच्छी हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने इसको तुरंत क्रिएट किया, आपको अच्छे से अच्छा क्रिएट करना है और ज्यादा से ज्यादा टाइम दे के क्रिएट करना है। और यहाँ पर मैंने लिखा है 5 मिनट वर्कआउट टू डू एवरी डे, बींग बिजी शुड नेवर बी एन एक्सरसाइज, इन जस्ट 5 मिनट्स यू आर ऑल प्रिपेयर्ड अप फॉर अ लॉन्ग डेज वर्क, ठीक है। बस एक छोटा सा कोट एंड यहाँ पर एक छोटा सा कॉल टू एक्शन आप इसको बोल सकते हो, और ये एक छोटी सी इमेज, एक अच्छी सी इमेज पीछे बस, और ये है आपका एड सेट तैयार। ऐसे ही करके आपको अलग अलग, बहुत अलग अलग नहीं भी तो कम से कम 5-6 एड सेट तैयार करने हैं एक ऑफर को चेक करने के लिए, अगर आप तेजी से काम करना चाहते हो तो, और कोई भी कैश फ्लो की प्रॉब्लम आपके पास नहीं हो तो। तो ये है आपका पूरा गेम, ठीक है, सामने शो करने का। अब मैं चलता हूँ फेसबुक पे और वहां आपको शो करने की कोशिश करता हूँ कि आप कैसे एड लगा सकते हो और कैसे आपको रिसर्च करना है, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ मैं सारी चीजें आपको करके दिखाने वाला नहीं हूँ, बट आपको मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ कि मैं क्या करता हूँ और आप क्या क्या कर सकते हो। देन आपको मैं ले चलता हूँ फेसबुक एड मैनेजर में। तो ये है अपना फेसबुक एड मैनेजर जो आपको सामने दिख रहा है, ये मेरी एक क्लाइंट की आईडी है जिसका मैंने कुछ प्रमोशन किया था। सो उसके ही आईडी में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप कैसे क्या कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एड मैनेजर का, एड मैनेजर पे आपको ऐसे क्लिक कर देना है। एड मैनेजर पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑडियंस इनसाइड, ऑडियंस इनसाइड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ऑडियंस इनसाइड क्लिक करोगे तो गाइस, जैसे आप ऑडियंस इनसाइट्स को क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ आपको इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर आपको दो चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है, कभी भी इसमें डोंट शो द अगेन मत करना प्लीज, बिकॉज आपको अलग अलग कंडीशन में दोनों चीज की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग अभी जाएंगे एवरीवन ऑन फेसबुक पे, ऐसे क्लिक करूंगा। देखो दूसरा जो ऑप्शन था वो ये था कि लोग जो आपके पेज के साथ कनेक्टेड है क्या आप उनको टारगेट करना चाहते हैं, कि वो सारे लोग जो फेसबुक के साथ कनेक्टेड है। तो हम लोगों ने चूज किया वो सारे लोग जो फेसबुक के साथ कनेक्ट है। तो गाइस देखो, सर्च और रिसर्च करने की बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, बट यहां मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि आप भी ऐसे करके ऐड लगाओ, थोड़ा सा रिसर्च करो ताकि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। तो अभी हम लोग का जो बेसिक है, जो बेस है, वो अपना किस पे, हेल्थ प्रोडक्ट पे, हेल्थ ऑफर पे, ठीक है। सो यहां सबसे पहले आपसे पूछ रहा है लोकेशन, फिर पूछ रहा है एड एंड जेंडर, फिर पूछ रहा है इंटरेस्ट, फिर पूछ रहा है कनेक्शन एंड पेजेस, ठीक है। मतलब ये है पेजेस का, मतलब कि आप पेजेस के लेवल पे भी लोगों को टारगेट कर सकते हो। लाइक आपने हंक ब्रांड के बारे में सुना होगा, बॉडी पावर ब्रांड के बारे में सुना होगा, एक बहुत बड़ा ब्रांड है दोनों। तो अगर आप चाहो तो उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हो, क्योंकि वो वहां पर उस पेज पे जो लोग लाइक करेंगे वो लोग हेल्थ से रिलेटेड है, मतलब उनको बॉडी वॉडी बनाने में बहुत मन है, तो उन लोगों को भी आप टारगेट कर सकते हो। और इसीलिए फेसबुक एक बहुत ही अच्छा एड सर्च इंजन है, बिकॉज मैं फेसबुक को मानता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा खासा लोगों को टारगेट कर सकता है। मतलब मेरा ये बिलीव है, आपका क्या बिलीव है आई डोंट नो, बट मेरा ये बिलीव है कि फेसबुक इज द बेस्ट फॉर एड्स,
ठीक है, और फॉर सीपीए एड्स तो सबसे ज्यादा बेस्ट है और मैं यही यूज करता हूँ और मैं लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ। सो आपको भी फेसबुक यूज करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा खासा स्पेसिफिक टारगेट करता है लोगों को और बहुत अच्छे से करता है। अब यहाँ जो पेजेस का मैंने बताया वैसे करके आप सर्च कर सकते हो, कोई भी बड़ा पेजेस है, जो भी बड़े पेजेस हैं आप उनको यहाँ पर सर्च कर सकते हो। ठीक है, कोई भी बड़े पेजेस जैसे कि आपका जितना भी मैंने बताया बॉडी पावर हो गया, मतलब बहुत भी ऐसे बड़े बड़े पेज, बस आप गूगल करोगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगे। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर आके सर्च कर सकते हो, यहाँ वो पेजेस को भी सर्च कर सकते हो जो आप हैंडल कर रहे हो और उन पेजेस को भी सर्च कर सकते हो जो आप हैंडल नहीं कर रहे हो, जैसे कि मैंने बताया। और जो नेक्स्ट जो चीज है एडवांस लेवल पे है, ऐसे मैं क्लिक करूंगा तो ये सारे ऑप्शंस बंद हो जाएंगे, और ऐसे क्लिक करूंगा तो आपको वो सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे जो एडवांस लेवल पे सर्च करते हैं, मतलब कि लैंग्वेज पे, ठीक है, रिलेशनशिप स्टेटस पे, एजुकेशन पे, वर्क पे, मार्केट पे, मार्केट सेगमेंट पे, पेरेंट्स पे एंड लॉट ऑफ। तो हर चीज को इन डिटेल आप लोगों को सर्च कर सकते हो। और सीपीए में भी हम वही करते हैं कि लोगों को ए डिटेल में, मतलब सीपीए जैसे कि अगर वो उसने कह दिया कि आपको अमेरिका के लोगों को लाना है तो सिर्फ आपको अमेरिका के लोगों को लाना है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है दैट इज बेटर प्लेटफॉर्म। ओके, बहुत ही ज्यादा बेटर प्लेटफॉर्म है, दिस इज अ वेरी 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 गुड प्लेटफॉर्म फॉर सीपीए मार्केटिंग। ठीक है, तो यहाँ की जो चीजें हैं वो मैंने आपको समझा दी है, ऐसे ऐसे काम करती है। ठीक है, इंटरेस्ट मतलब वही जैसे कि मैंने हेल्थ बताया, तो आपको हेल्थ से यहाँ से सर्च करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा सर्च करके बता देता हूँ कि कैसे चीजें काम करती हैं। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले टाइप करूंगा यूएसए। ओके, सो यहाँ मुझे ऑप्शन दे रहा है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट। ओके, यूनाइटेड स्टेट को हम लोगों ने चूज कर लिया है। अब यूनाइटेड स्टेट में हम लोगों को कितने कौन से एज कैटेगरी के लोग चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे 20 to 26 ओनली 26। अब मैंने 20 to 26 डाल दिया है, तो आपको स्टेट बता दिया है ये, और आपको कंट्री आपने बता दी है एंड फिर आपने एज बता दिया। तो यहाँ पर इसने लिख दिया है कि 30 मिलियन से 35 मिलियन लोग इस जगह हैं। ठीक है, और जेंडर यहाँ पर ऑप्शन है तो ऑल पे क्लिक है, तो ऑल ही लेके चलते हैं, तो दोनों जेंडर के मिला के आपको यहाँ पर परसेंटेज इसने बता दिया है। ठीक है, अब पूछ रहा है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब वही जो मैंने कहा था हेल्थ। ठीक है, हेल्थ मैगजीन, हेल्थ केयर, तो ऐसे करके गाइज जितनी भी मतलब हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं गाइज उसको आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, उसको आपको यहाँ पर पुट करना है, जितनी भी चीजें हेल्थ से रिलेटेड है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको एक और चीज है, अगर आप चाहते हो कि और डिटेल में सर्च करना, तो आपके पास है गूगल। गूगल में आप क्या कर सकते हो, गूगल में आप जो हेल्थ से रिलेटेड मैगजीन्स हैं, जो हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जो हेल्थ से रिलेटेड कंपनीज हैं, उन सबको आप गूगल कर सकते हो और उनके नाम को एक जगह लिख के उनको भी यहाँ पर आप स्पेसिफिक टारगेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैंने सर्च में लिखा एंड वो आया और मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, तो वो भी उसका भी जो भी रिजल्ट है वो भी आपको यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है, तो अब कुछ चीजें हम लोगों ने यहाँ पर टाइप की है तो उसका रिजल्ट यहाँ पर आपको दिखा रहा है, लाइक दैट कि 66 जो परसेंट वुमेन्स हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं फॉर हेल्थ। ठीक है, और जिनकी एज जो है वो 18 से 24 साल है। फिर 35% वुमेन जो एक्टिव है जिनकी एज है 25 से 34 साल, ऐसे ही करके मेंस के बारे में नीचे दिखाया है जो आप देख सकते हो। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपको करना है किसी भी एड को लगाने में। ठीक है, पेज लाइक्स भी उनका देख सकते हो आप, लोकेशन भी देख सकते हो, एक्टिविटी भी देख सकते हो। ठीक है, और डेमोग्राफिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये चीज आपको करना है। गूगल की भी हेल्प लेनी है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि आपको पूरा लिस्ट क्रिएट करना है, देन उसके बाद एड लगाना है, तभी आपका एड काफी अच्छा सक्सेसफुल होगा और आपका कम पैसे में आप काफी अच्छा खासा अर्निंग करोगे। अब जो चीज है मैं आपको क्रिएट करता हूँ। सो गाइस, एड क्रिएट करने के लिए हम लोग वापस एड्स मैनेजर में आ चुके हैं एंड अब आपको क्लिक करना है इस पे, क्रिएट एड्स पे। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सो ये जो आईडी है ये है मेरे क्लाइंट की, जो अभी शट डाउन हो चुकी है आईडी, बट मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ क्रिएट करके कैसे आप एड क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ चीजें दिखेंगी, जैसे कि आपको ऊपर दिख रहा है कि अलग अलग ऑप्शन है, कन्वर्सेशन के, अवेयरनेस के अलग अलग ऑप्शन है। ठीक है, आप कभी भी इंगेजमेंट या कन्वर्जन या स्टोर ट्रैफिक, ये चीजों को पहले यूज ना करें, या लीड जनरेशन, ये सारी चीजों को पहले यूज ना करें अगर आप एक न्यू
एकदम न्यूली बिगनर हो तो आप प्लीज इन चीजों का यूज ना करो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ सकते हो कि आपको पहले एक पूरा मतलब एक पूरा देखना है कि क्या चीजें आपके लिए काम कर रही है, क्या चीजें आपके लिए काम नहीं कर रही है। तो मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि अगर आप न्यू हो तो आप ट्राफिक पे जाओ, ट्राफिक पे क्लिक करो एंड ट्राफिक को सिलेक्ट करो। ट्राफिक को जैसे आप सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ आपको नीचे कुछ ऑप्शन मिलेंगे कि आपको कैंपेन का नाम क्या रखना है। तो हम लोग रख देते हैं हेल्थ एंड फिर हम लोगों ने कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। देखो सब गेम जो है वो रिसर्च का है, रिसर्च आपकी अच्छी होगी तो आपका काम बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ट्रैफिक में हमको वेबसाइट चाहिए तो वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो ऑल लोकल लाइक ऑडियंस एंड कस्टम ऑडियंस, बट ये तीनों चीजें आपके लिए अभी नहीं है तो आप इन चीजों को यूज नहीं करोगे। नेक्स्ट आप नीचे आओगे और देखो अगर आपको और भी चीजें मतलब जैसे कि कस्टम ऑडियंस तो आपके दिमाग में आया जब आप एड लगाने जाओगे अरे मुझे तो समझ नहीं आ रही है कस्टम ऑडियंस है क्या, तो ये आई के बटन पे क्लिक करना, ये आपको सारी चीजें यहाँ पर लिख के बता देगा, ठीक है। सो अभी ये आपके पास नहीं है तो आप इसका यूज नहीं करोगे, बट आपके पास ये चीजें हैं लोकेशन, ठीक है, एवरीवन इन द लोकेशन। अब आपको क्या करना है, आपने यूएस का ऑफर उठाया है तो आपको यहाँ पर यूएस लोकेशन ढूंढना है, यूएसए। तो आप जैसे यूएसए टाइप करोगे तो आपके पास यूएस कंट्री आ जाएगा और यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आप कितने लोगों तक पहुंच सकते हो। तो यहाँ जीरो आप गिन सकते हो कि आप कितने लोगों तक पहुंच सकते हो, यहाँ आपको नीचे भी दिखा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको अपनी टारगेटेड कंट्री जो भी है आपका यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, सब डाल देना है जो आपने उधर सर्च किया था। देन फिर आपको यहाँ पर आपका एज, जेंडर, जितने भी एज के लोगों को आप टारगेट करना चाहते हो आप उनको टारगेट कर सकते हो। फिर जेंडर एंड फिर डिटेल टारगेटिंग कि आप हेल्थ के सेक्टर से टारगेट कर रहे हो तो यहाँ पर एडिट पे क्लिक करके आप वहां पर हेल्थ एंड वेल्थ जो भी है वो आप पूरा यहाँ पर फिट ऑन करोगे एंड लिखोगे, ठीक है। अब उसके बाद और नीचे आओ आप तो यहाँ पर आपको कुछ प्लेसमेंट्स के ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एडिट प्लेसमेंट पे आप क्लिक करना है। अब जैसे आप एडिट प्लेसमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगे। देखो प्लेटफॉर्म के बाद आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क एंड मैसेंजर, तो आपको ये और ये हटा देना है, आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम ही चूज करना है। अब आपको वो दिखेगा कि आपको फीड्स पे चलानी है, स्टोरी में चलानी है, कहाँ चलानी है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको चलाना है फीड्स में। तो आप ये जो ऑप्शन है ये सारे बंद कर दो और अब आप सिर्फ स्टोरी का ऑप्शन जो है ओके रखो, ठीक है, और बाकी सब बंद कर दो। ये देखो अपने दो बस ओपन है, ठीक है, फेसबुक स्टोरी एंड इंस्टाग्राम स्टोरी, और ये कुछ इस प्रकार की आपको दिखेगी, ये जो आपको दिखा रहा है, ठीक है, ये जो इस तरह का कुछ आपको दिखेगा। देखो यहाँ लर्न मोड का एक ऑप्शन आ रहा है, ये देखो यहाँ पर ये जैसी बंदा इस पर क्लिक करेगा तो वो आपके लैंडिंग पेज पे चल जाएगा और इस तरह कुछ फेसबुक इंस्टाग्राम में दिखेगा और इस तरह कुछ आपको फेसबुक में दिखेगा। तो ये दोनों चीज को आपको समझना है और यही दोनों चीज को आपको यूज करना है अगर आपको ज्यादा कन्वर्जन चाहिए तो, ठीक है। डिटेल टारगेटिंग कम करोगे तो ये सारी चीजें कम हो जाएंगी, ठीक है, करोगे तो कम हो जाएंगी। एंड फिर उसके बाद आपको नीचे पूछेगा कि आपका डेली बजट कितना है, ठीक है। अब आपको मैंने कहा है कि आपका जो भी ऑफर है उसका 3x, तो मान लो हम लोग 100 या 200 का परफॉर्म कर रहे हैं तो 800 रुपए डेली का, एंड रन करना है माय एड सेट कंटिन्यूअसली स्टार्टिंग टुडे, ठीक है, या आप अपना डेट एंड टाइम सेट कर सकते हो। एंड देन आपका यहाँ पर पूछ रहा है कि बीड स्ट्रेटेजी क्या है, तो सेट अ बीड कैप अगर आपको करना है तो कर सकते हो या लोएस्ट पे कर सकते हो, ठीक है। मोर आप पढ़ोगे तो और भी चीजें हैं, इंप्रेशन पे, रन एड्स ऑल द टाइम, और ये जो भी ऑप्शन है ये आप कर सकते हो। बट अगर आपको एक स्पेसिफिक एक अच्छा खासा रन करना है सीपीए मार्केटिंग का ऑफर तो मैं बोलूंगा लो कॉस्ट, आराम से उसको लो एंड उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करो। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको कुछ चीजें ऐसी दिखेंगी जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जस्ट इसको खोलने दो। एंड अब आपको बोलेगा कि आपके पास जो पेज है उसको सिलेक्ट करो, आप यहाँ पर अपने पेज को सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर आप अपने इंस्टाग्राम पेज को सिलेक्ट कर सकते हो, दोनों को सिलेक्ट करना है आपको। बस इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अभी यहाँ पर मेरे पास कोई भी इंस्टाग्राम पेज नहीं है बिकॉज ये मेरी आईडी नहीं है, तो वहां पर आपको आपका इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा, उस पर आपको सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर जैसे लाइक यहाँ पर आपको मेरी एक आईडी दिख रही है, तो ये जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, एक फेसबुक की आईडी है ये सिलेक्ट हो गई है फेसबुक के लिए, ठीक है। एंड नीचे आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है फॉर्मेट में, आपको बस नीचे जाना है एंड देन यहाँ पर आपको अपने वेबसाइट का लिंक ऐड करना है, यहाँ पर यूआरएल ऐड करना है और ये जो मैंने फोटो बनाई थी, ये जो एड सेट मैंने बनाया था, इसको यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। जैसे आप ऐड करोगे तो यहाँ पर आपका एड सेट शो करेगा,
सो गाइस देखो यहाँ पर जो मीडिया का ऑप्शन है वहां से मैंने जो एड है उसको यहाँ पर ला लिया, जो अपना एड सेट मैंने क्रिएट किया था, ठीक है। इसके पीछे से मैंने फोटो हटा दिया बिकॉज वो जो फोटो थी वो थी $2 कॉस्ट कर रही थी डाउनलोड करने के लिए, तो मैंने उसको हटा दिया है। बट यहाँ पर बस आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, बट आपको जब बनाना है तो आपको पीछे अपनी फोटो लगानी है या बहुत अच्छा एड सेट बनाना है, फोटो लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर आपको साइज का पता चल जाएगा कि आप कितने साइज से बना सकते हैं, तो 1080 एंड 192920, ठीक है। तो ये है आपका पिक्सल फॉर स्टोरी एड्स, एंड यहाँ से आप उसको यहाँ पर अपलोड कर लोगे, देन उसके बाद आपको यहाँ नीचे वो शो करने लगेगा, ठीक है। स्टोरी एड का दिखाना है, ठीक है, ये स्टोरीज, ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा आपके स्टोरी में, फेसबुक स्टोरी में, एंड यहाँ आपको दिखेगा इंस्टाग्राम स्टोरी में। इस प्रकार कुछ दिखेगा आपको इंस्टाग्राम स्टोरी में, ठीक है। 5 मिनट वर्कआउट टू डू एवरी डे, एंड आपको कुछ बहुत ही अच्छी सी हेडलाइन लिखनी है। स्टोरी एड में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट आप चाहो तो आप लिख सकते हो बिकॉज एक फुल एड बनाने के लिए अच्छा खासा सही है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बस कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करोगे काम हो जाएगा। यहाँ पर आप लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ हम लोग कोई भी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, तो आपको लैंग्वेज होंगे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कन्फर्म पे बस क्लिक कर दो, तो ये जो एड है आपका ऐसा कुछ रन करना स्टार्ट कर देगा। तो गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको एक पूरा एड लगाना। अगर कोई भी आपके पास क्वेश्चन है तो प्लीज आप नीचे लिख दो, बहुत ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो, और भी चीजें अगर जाननी है तो उसकी डिमांड करो, मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊंगा। ये आपको पूरा एक ओवरऑल दे दिया है कि ऐसे ऐसे चीजें काम करती है, और बिलीव मी अगर आप ऐसे काम करोगे तो आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।